Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास के बेटा, आज चैप्टर 8 में हम जो है देखेंगे प्रैक्टिस बुक की जो एक्सरसाइज, उसको इससे पहले हमने जो था कोर बुक की जो एक्सप्लेनेशन थी और जो एक्सरसाइज थी उसको हमने देखा था। आज हम प्रैक्टिस बुक की जो एक्सरसाइज है उसे देखेंगे। माय टर्न वन में है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लीड टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन कारकों की व्याख्या करें जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण। बेटा जो इसका आंसर वो बहुत लेंदी है, ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में आपको जो भी समझा दूंगी। आप वीडियो देखेंगे मेरा जो कोर्स बुक का, अगर उसे आप देखेंगे तो वो आपको समझ लेंगे। इसलिए जो आपको होमवर्क जो है ये होमवर्क है, प्रैक्टिस बुक आपका होमवर्क है, तो वो भी कोर्स बुक से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है, अदर्स नहीं रहते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी। द फैक्टर्स विच कास्ट स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ यूनिटी एंड इक्वलिटी एमंग इंडियंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन कारकों के कारण शिक्षा जागरूकता और भारतीय एकता और समानता की भावना का प्रसार हुआ, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। दीज आर फर्स्ट है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यूनाइटेड इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द डेवलप्ड लव फॉर द नेशन अमंग इंडियंस, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध और भारतीयों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित हुई। सेकेंड है द सोशल रिफॉर्मर्स एनकरेज एजुकेशन एंड सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग द इंडियंस, समाज सुधारकों ने शिक्षा और भारतीयों में समानता की भावना को प्रोत्साहित किया। थर्ड है द ब्रिटिश स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया 1835, रीडिंग बुक्स एंड न्यूज पेपर इन इंग्लिश मेड इंडियन अवेयर ऑफ द फ्रीडम फाइट हैपिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इन अदर कंट्रीज लाइक द यूएसए। तो जो ब्रिटिश थे तो उन्होंने क्या किया था, 1835 में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया था और भारतीय जो बुक्स था वो सब न्यूज़पेपर जो थे ये सब इंग्लिश में थे और भारतीयों को इसको बहुत मतलब पढ़ना आया और उनको फायदा उन्होंने उठाया। फोर्थ है द ब्रिटिश स्टार्टेड द पोस्टल सर्विस इन 1837 एंड रेलवे इन 1853। तो जो ब्रिटिश जो पोस्टल सर्विस डाक सेवा शुरू हुआ था वो 1837 में था और जो रेलवे सेवा शुरू हुआ था वो 1853 में था। This is made it possible for the Indians to send a message by the post or the travel by the train. वो अपने जो चीजें थी वो पोस्ट कर सकते थे और उन्होंने क्या किया था, ट्रेन से ट्रेवल भी किया था टू टेल अदर्स अबाउट नीड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड मेक इंडिया फ्री, कि भारतीय को मतलब वो लोगों को जागरूक करने के लिए रेल से भी जाते थे, मतलब अपने संदेश देना, संगठन करना और ताकि वो भारत को आजाद करा सके अंग्रेजों से। फिफ्थ है बाय 1880 मैनी न्यूज पेपर वर बींग पब्लिश्ड इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ दे वेर इन इंडियन लैंग्वेज, कह रहे हैं 1980 में जो न्यूज़ पेपर आए हैं पब्लिश हुए हैं वो जो थे बहुत से भारतीय भाषाओं में थे। सेकेंड है माई टर्न टू में रीड द डायरी ऑफ ऋत्विक दत्त एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक पैसे दिया ही ऋत्विक की डायरी उसमें लिखा हुआ है और क्वेश्चन उसको क्या करना है आपको पैसे से आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से विच इवेंट हैज बीन डिस्क्राइब इन दिस पैसेज, कह रहे हैं कि कौन सा घटना है जो इस पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है। तो आंसर आपका है द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैज बीन डिस्क्राइब इन दिस पैसेज, बंगाल का विभाजन जो है इस पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द पीपल ऑफ बंगाल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, बंगाल के लोगों ने इसका विरोध कैसे किया, ऑब्जर्विंग द डे ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज द डे ऑफ मर्निंग। तो जब जो बंगाल का विभाजन हुआ था उन्होंने भारतीयों ने क्या किया था उसे शोक के दिन के रूप में मनाया था, कीपिंग द स्कूल्स एंड ऑफिस क्लोज, स्कूल और दुकानों को बंद रखें, बाय कीपिंग द फास्ट वॉकिंग द गंगा सिंगिंग वंदे मातरम एंड अमर सुना, बाय कीपिंग फास्ट एंड वॉकिंग टू द गंगा सिंगिंग वंदे मातरम एंड द अमर सुना बांग्ला। तो बाय कीपिंग फास्ट उन्होंने उपवास रखा और गंगा तक गए और वंदे मातरम का नारा भी लगाया और अमर सुना बांग्ला। और था टाइम राखीज और ईच अदर रिस्ट एंड देयर बाय द सेंडिंग मैसेज ऑफ यूनिटी ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल, उन्होंने एक दूसरे को कलाई पर राखी बांधी और यह मैसेज दिया कि हिंदू मुस्लिम जो एक है। सी क्वेश्चन से विच मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इवेंट, इस घटना के परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स स्टार्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ था। डी क्वेश्चन है हाउ डिड दिस मूवमेंट चेंज द मैथड ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तरीके को कैसे बदल दिया, अर्लियर ओनली सम एजुकेटेड इंडियंस मेड
ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज बाई गिविंग स्पीच एंड कैरिंग आउट पीसफुल प्रोटेस्ट। इससे पहले कुछ शिक्षित भारतीयों ने संगठन बनाया भाषण देकर और शिक्षित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करके ब्रिटिश नीतियों को आलोचना की। हाउएवर इन द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट द कॉमन पीपल ऑफ द इंडिया रोज अप अगेंस्ट द अनफेयर ब्रिटिश लॉ एंड पॉलिसीज। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में भारत के आम लोगों अनुचित ब्रिटिश कानून और नीतियों के खिलाफ उठाए, मतलब उनके खिलाफ उठे हुए। माई टर्न थर्ड में है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द मैथड अडोप्टेड बाई द मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट एंड द रिवोल्यूशनरी इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो जो नरम उदारवादी मॉडरेट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी चरमपंथी, तो इनके बारे में क्या है आपको लिखना है। मैथड ऑफ द फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने कौन सा मैथड अपनाया था ब्रिटिश के खिलाफ। बिलीव इन द फेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश, अपोज द ब्रिटिश बाई गिविंग स्पीच एज अ राइटिंग अप्लीकेशन एंड न्यूज पेपर आर्टिकल्स एंड कैरिंग आउट द पीसफुली प्रोटेस्टेड। तो उन्होंने उनका अंग्रेजों का विरोध किया था, न्यूज पेपर लिखा, अप्लीकेशन मतलब लिखा, लेख लिखा और स्पीच दिया, भाषा संगठन किया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जो मॉडरेट बोले हैं उदारवादी ने, उन्होंने इस तरीके से उनके खिलाफ विरोध किया, प्रदर्शन किया। एक्सट्रीमिस्ट जो चरमपंथी है, एडवोकेटेड बायकॉट एंड द स्ट्राइक्स एंड द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहिष्कार और हड़ताल किया। वॉन्टेड इंडियंस टू बी अलाउड टू रूल ओवर इंडिया, वे चाहते थे कि भारतीय जो भारत पर शासन करने दिया जाए, मतलब कौन चाहते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी के नेता थे वो चाहते थे कि भारतीय को भारत पर शासन करने दिया जाए। रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी फेवर द यूज ऑफ द बॉम्ब्स एंड वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, फॉर्म इज द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी, अंग्रेजों के खिलाफ बम और हथियारों इस्तेमाल किया जाए, गुप्त क्रांतिकारी ने, मतलब ये गुप्त क्रांतिकारी थे, वो चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या करें, बम और जो हथियार उसे इस्तेमाल किया जाए। नेम ऑफ टू लीडर्स, तो आपको क्या करना है कि जो उदारवादी और चरमपंथी और क्रांतिकारी हैं उनके दो दो नाम लिखने हैं। तो जो मॉडरेट के हैं गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जी, और एक्सट्रीमिस्ट के हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और रेवोल्यूशनरी के हैं अरविंद घोष, अजीत सिंह। माई टर्न फोर में भी इसी तरीके से कि राइट डिफरेंस बिटवीन द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्रिटेरियन, आल्सो राइट वन सिमिलरिटी बिटवीन देम। तो इसके बारे में आपको लिखना और एक समानता लिखना है तीनों के, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ईयर इन विच इट स्टार्टेड, तो 1905 में, 1905 में। रीजन फॉर द स्टार्टिंग मूवमेंट, टू प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के जो विभाजन के विरोध में इन्होंने किया था। नेम ऑफ लीडर्स, इसके लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, वे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। कॉमन पीपल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया टुक पार्ट इन इट, भारत के कई हिस्सों में आम लोगों ने इसमें भाग लिया। इंडियंस बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स एंड बर्न देम इन स्ट्रीट, तो जो भारतीयों ने क्या किया था कि जो विदेशी सामान थे उसको बहिष्कार किया था ब्रिटिश का और उसे जला दिया था। प्रोटेस्टेड मार्चेस एंड रेजिंग, उन्होंने मार्च भी निकाले थे और स्लोगन भी गाए, वंदे मातरम का नारा भी लगाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में असहयोग आंदोलन, नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, ईयर्स है 1920-1920। रीजन फॉर स्टार्टिंग मूवमेंट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग घटना के विरोध में प्रदर्शन था। और जो लीडर थे उनके मोहनदास करमचंद गांधी थे। वे आर द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। कॉमन पीपल अक्रॉस इंडिया टू पार्ट इन इट, भारत के कई हिस्सों में आम लोगों ने इसमें भाग लिया। इंडियन बायकॉट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस, भारतीयों ने स्कूल और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार किया। दे बर्न फॉरन क्लोज, पीपल वेयर एनकरेज टू द वेयर खादी, उन्होंने जो विदेशी कपड़े थे उसका बहिष्कार किया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो खादी पहने, मेड इन इंडिया जो भारत के बने कपड़े उन्हें पहने। नेक्स्ट सिविल एविडेंस मूवमेंट, सविनय अवयव आंदोलन 1930-1930 में, टू डिसओबे द ब्रिटिश लॉ एंड मेक इट, ब्रिटिश कानूनों की जो है अवहेलना की और उसे मतलब मना किया, उन्हें नहीं मानना चाह रहे थे, भारतीय उनके कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। डिफिकल्ट फॉर द टू रूल इंडिया, अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन करना कठिन था, और जो इसके लीडर थे वो मोहनदास करमचंद गांधी थे।
वेद प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय प्रोटेस्टिंग एंड द डिसओबे द ब्रिटिश लॉ। तो उन्होंने जो विरोध किया, जो उनके कानून बनाए थे कानून का, उनको अवहेलना की मतलब मना किया, नहीं मान रहे थे। सिमिलरिटी में है स्वदेशी एंड बायकर मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिस सिविल डिसओबेंट मूवमेंट का है। वन सिमिलरिटी तीनों का ये होगा, दीज मूवमेंट वर द पीसफुल आंदोलन जो थे शांतिपूर्ण थे। दीज वर अगेंस्ट द अनफेयर ब्रिटिश पॉलिसीज एंड लॉ, ये ब्रिटिश नीति और कानून के खिलाफ थे। कॉमन पीपल ऑफ द इंडियन टू पार्ट इन देम, भारत के आम लोगों ने उनमें जो था भाग लिया, जो भारत के आम लोग भी थे वो भी सब थे उनमें इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो बेटा जो आपका जो चैप्टर 8 है, या जो प्रैक्टिस बुक का एक्सरसाइज, वो भी कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।